फिर सोच के परेशान हो रहा हूं कि अकबर को क्या जवाब दोगे। अब्बा जवाब क्या देना है, अपनी मर्जी से वो घर से गई है, हमने थोड़ी निकाला है उसे। तो रोकना था ना उसे, जाने क्यों दिया? मुझे तो डर लग रहा है कि अकबर भाई कहीं बिजनेस में से पैसे ही ना निकाल ले। अम्मा क्या हो गया आपको, हम अभी घर से चली गई हैं और आपको बिजनेस की फिक्र है। वो चली गई है ना, तो तुम क्या चाहती हो, उसके जाने से हमारे घर की खुशहाली भी चली जाए? ये चाहती हो? मैं तुम लोग बस कर दो, यहाँ परेशानी है। तुम सोच रहा हूँ उसने फोन भी नहीं किया अभी तक। नहीं नहीं फोन किया था, आप वॉशरूम में थे, मैंने उठाया नहीं फोन। हाँ तो उठाना चाहिए था आपको, उन्हें बताना चाहिए था कि उनकी बेटी क्या करके गई है आज। क्या किया है? अपने बच्चे से तो तुम मिलने गए थे ना। तो क्या अब मैं अपने बच्चे से भी ना मिलूं? कैसी बातें कर रही हैं आप, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी मेरे और अभिया के दरमियान वो खत्म हो चुकी है। तो फिर भुक तो खड़े बकवास कर रहे हो। टेंस कर दिया है यार, बिल्कुल टेंस कर दिया है यार। उस दिन तो पीटी टीचर ने बचा लिया, आज कौन बचाएगा तुम्हें? आज तो मैं तुम्हारा लंच खा के रहूंगा। वैसे क्या दिया है तुम्हारी मम्मा ने? ओ ये तो क्लब सैंडविच लगते हैं। वाह बॉक्स मुझे वापस करो। हाँ हाँ ठहरो, थोड़ा सा खाने दो। और वैसे भी लंच बॉक्स का मैंने क्या करना? लंच बॉक्स मुझे उठा के दो। मेरे बाप स्कूल के सबसे बड़े डोनर है, सबसे बड़े। कड़े कड़े निकलवा सकता हूं तुम्हें। अदिल होश में हो? अदिल बेटा आंखें खोलो, अदिल होश में आओ। अदिल अदिल क्या हो गया? अदिल उठो, अदिल होश में आओ। अदिल विकी, अरे अदनान भाई आप यहाँ? कहाँ हो भाई तुम, दो दिन से घर ही नहीं आए, सब खैरियत है ना? जी खैरियत है। वो दरअसल बड़े सरकार ने कुछ वजायफ दिए थे करने के लिए, वही करने थे इसलिए यहाँ रुक गया। इंशाल्लाह एक दो दिन में हाजिर हो जाऊंगा। आप यहाँ आए तकलीफ के लिए माजरत। से भी मेरे पास मोबाइल नहीं है, बाहर की दुनिया से कोई रابطہ नहीं है। अब तो तुम्हारा रابطہ हो गया ना हमसे, मोबाइल रख लो, हमें आसानी हो जाएगी तुमसे बात करने में। जी भाई ऐसे बहुत अच्छा कि आप यहां आ गए। हाँ यार बस थोड़ा परेशान हूं, एक वो तुम्हारी बरकान वाली बात की वजह से, और दूसरा अपनी बीवी आमना की वजह से। क्या हुआ उन्हें?
सब खैरियत? हाँ अल्लाह का शुक्र है, वैसे सब खैरियत है। बस वो मैंने उसे नहीं बताया कि मैं अभी और अपने बच्चे से मिलता हूँ, तो इसी बात पे घर छोड़कर चली गई। अल्लाह बेहतर करे। अदनान भाई आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। अभी भी कोई बात रह गई है? सबसे जरूरी बात। जिस लड़के को आप अपना बेटा समझते हैं वो आपका और अभिया का बेटा नहीं है। क्या क्या कह रहे हो तुम विकी? जो सच है वही बता। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरा ही बेटा है। मैंने पाला है उसे, मेरे सामने पैदा हुआ है वो। हाँ मैं मानता हूं कुछ अरसे के लिए मेरा रابطہ उससे मुनकता हो गया था, लेकिन अभिया के पास ही रहा है वो। तुम्हें गलत फहमी हुई है कोई। आपका बच्चा तब्दील कर दिया गया था। बुरकान ने हॉस्पिटल में बच्चा बदल दिया था। तुम ये इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? इसके लिए आपको बड़े सरकार से मिलना पड़ेगा। ठीक है, ये जिस औरत को तुम मम्मा बोलते हो ना, इसका बाप आया था हमारे इलाके में शिकार के लिए, उसी की गोली से मरी थी तुम्हारी माँ। वो बेचारी तो जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गई थी, अभी आके चल्लाद बाप ने मार दिया तुम्हारी माँ को। जानते हो तुम और मैं किस मकसद के लिए? हमें अपना इंतकाम लेना है, यही हकीकत है। लेकिन ये बात अभी आपको पता नहीं चलनी चाहिए।